Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. देख पा फजल, कातिल को माफ करना बहुत जरूरी है, वरना अगर वो इस तरह से जेल में आराम से बैठ गया तो बदला तो गया हमारे हाथ से। पर उसके पियो ने बड़ी होशियारी से ये चाल चली है। तू बस पुलिस को यह बयान दे दे कि ज्यादा कसूर तेरे पुत्र का था। वकास ने मेरे पुत्र का कोई कसूर नहीं था, बेकसूर था वो। धोखा है उहदे नाल, चोरी धोखा है उहदे नाल। और यही तो मैं कह रहा हूं। देख, समझने की कोशिश कर, खून तो जाया हुआ है ना साढ़े पुत्र का, और अगर कानून में जाना है ना तो फिर यही होगा, कातिल आराम से जेल में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम उसको बाहर ले आए किसी तरह से तो फिर वनी का मामला। जानू वनी नहीं चाहिए चौहरी राम निवास, मेरे पुत्र के खून का बदला मासूम कुड़ी, उसका तो कसूर भी कोई नहीं, यह तो जुल्म ते जुल्म है। सम्मी मेरी नूह बनने वाली, अल्लाह ना दे मुझ पे अगर मैं उससे वनी करूं तो। अरे वनी तो वो हो के रहेगी मेरे बेटे की, मैंने तेरी इज्जत बचाने के लिए फैसला दिया है पा फजल, और तू मुझे ही जलील करवा रहा है जोक बावल में। सब कह रहे हैं कि चौधरी अपने खानदान की शान ऊंची नहीं रख सकेगा, तो अगर इलेक्शन में जीत गया जोक बावल की क्या नुमाइंदगी करेगा? रब नवाज, तू सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए मेरे पुत्र के खून पे सियासत का खेल खेल रहे? बात सियासत की नहीं है पा फजल, सात पुश्तों की शान ऊंची रखने का मामला है ये, और तेरी मेरी पुश्तें सांझी हैं। तू अपने बाप दादा की रखी हुई पग को इसलिए फेंक देगा कि वो जिंदे नहीं है? पुत्र की जुदाई ने एक बात समझा दी, ये पग है ना, ये सात गज के कपड़े का टोटा है, इंसानी जान इससे बड़ी कीमती है। और जा कह रही है अम्मा सरीना, तो ध्यान कितने दे रहा? माफी चौधरी जी, हाथ बुढ़े हो गए। देख पा फजल, अब जाई तू भी सुन ले, भाई तुम दोनों ने यही रहना ना, कार तो इसी चौक बावल में है ना, कल्ले तो नहीं पड़े रहोगे कहीं चोलिस्तान के रेगिस्तान में जाकर? बरादरी और कबीले का साथ चाहिए होता है, तो बंदा बुढ़ा हो जाए ना तो ना कल्ला जी सकता है ना कल्ला मर सकता है। कड़ा क्या चाह रहा चौधरी अब्दुल्लाह? मेरे ख्याल में परजाई को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन तू समझता है पा फजल, क्योंकि बरादरी और कबीले के साथ जीवन मरण औरत से ज्यादा मर्द का होता है। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने वकास को खून माफ ना किया और उसकी बहन को वनी करके हवेली बचाने में अपना हिस्सा ना डाला तो मुझे जोग बावल छोड़ना पड़ेगा, यही कहना चाह रहा है ना तू? देख चौधरी, हमारे पुत्र का मामला अपनी जगह और समी वनी नहीं होगी, ऐसा हम नहीं करेंगे। भरजाई, वनी तो होगी, हर कीमत पे होगी। क्यों नाजो जी, मैंने कुछ कह रहे हैं? अपने बाज ये कह रहा है कि अगर सलूका ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जो बावल छड़ के किते और चले जाओ। खुदा का खौफ कर चौधरी, रब से डर, कहां जाएंगे हम इस उम्र में? इस जमीन पर घर है हमारा, रोजगार है हमारा, हमारे बड़ों की मां पियों की कब्रें हैं इधर, हम ये सब छोड़कर किधर जाएं?
मुझे मंजूर है चौहरी रामनिवास। जो तेरा हुक्म हो सी वही मना के उठबल की मिट्टी डाल दी हमने अपने पुत्र के खून पे, निकल आ दे बाहर आने दे कातिल को, वो नहीं हो लेते पुत्र की मांग को। अब रोज हशर के फरियाद करेंगे। राशिद हाथ दे मेनू अपना, खा मेरे सर की कसम कि जो मैं पूछूंगी तू मेनू सच सच जवाब देगा। तू जो कुछ पूछेगी मैं सच सच बताऊंगा। राशिद तू चिदरानी नू मिलन गया सी, जवाब दे मैनू। मैं राशिद उड़ते परिंदे ते पर गिनी हां, तू ते मेरा पुत्र है, तू ते मेरा बच्चा है। दस क्यों गया सी, क्यों? देख चौधरी साहब का ख्याल है कि वो चौधरानी नू जानते ने, पर ना पुत्र ओ नहीं जानते। मैं जाननी हां चौधरानी नू। देख राशिद तू मेरे सर की कसम खाती, मैनू दस दे, मैनू पता है इस सम्मी दा मामला, लेकिन असल मामला की है मैनू दस ना। मैं वसीयत करके जावांगी कि तू मेरा मरा मुंह नहीं वेख सकता, ना तू मेनू मोडिया ते चुक के कब्र च लैके जाए, ना राशिद मेनू दस दे की है तेरे ते चौधरानी दे दरमियान की मामला है, मेनू दसदा क्यों नहीं? बीबी साहब ने मुझसे वादा लिया था कि अगर वो मुझे मिल गई तो उसे मैं जान से मार दूंगा। तू मेरे सर की कसम खाती है, मेनू दस दे या कुड़ी तेरे कोल है या तू मार छटी। अम्मा तेरी कसम ना सम्मी मेरे पास है ना ही उसे मैंने मारा। चदरानी जिन्नी मर्जी मौत पर क्यों ना हो लेकिन चौधरी नवाज मेरा पुत्र है, तेरा भरा है, वनी चौधरी दी इज्जत है। तू ओ कुड़ी लभ के राशिदों के पैरां च ला के छड़ दे, वो मारे या छड़ दे उहदी मर्जी, लेकिन ऐ तू करना जो तू कहेगी वही होगा। जा, तेरी बुढ़ी हमेशा दी तरह तेरा इंतजार करती। वो मॉम कहाँ है? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। अच्छा तो तुम रहीम यार खान से हो, मुंह पर से तो हाथ हटा दो, मुझे डर लगा कि हाथों के पीछे पार्लर की कोई और लड़की निकल आए। मेरा एक दोस्त भी रहीम यार खां में रहता है, तुम्हारी तरह अकेला होता है तो गारा होता है, कोई देख ले तो चुप हो जाता है, मगर एक बात तुम्हारी तरह नहीं करता, अपना मुंह नहीं छुपाता।
वरना लगता है कि तुम रहीम यार खान वाले सारे एक जैसे। वो लड़का है ना, वो मेरी तरह डरपोक नहीं। कोक? तो फिर रहीम यार खान के लड़के लड़कियां अलग अलग होते हैं, मुझे नहीं पता था। ऐसे यार तुम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हो। मैं सोच रहा हूं एक दिन आलियान को बुलाऊं ताकि तुम लोग रहीम यार खान के बारे में बातें करो। मुझे नहीं मिलना किसी से, मैं किसी रहीम यार खान वाले को नहीं जानती, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा रहीम यार खान से। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए भी रहीम यार खान इतना बड़ा इश्यू है मॉम की तरह। सॉरी। ओके मैं जाता हूं। 2 लाख झूठी कसमें खा ले अपनी मां की, पर मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूं। तूने उस मासूम का कत्ल किया है, तू तो चौधरी साहब के हुक्म से इनकार ही नहीं कर सकता। एक दिन वो कहेंगे सलीमा को मार दे, तो तू मेरा भी कत्ल कर देगा। बहुत खूबसूरत लग रही है आज तू। क्यों दिल बहला रहा है मेरा? तेरा हाथ कैसे उठ गया एक इंसान की जान लेने के लिए? बंदे के पांव तले चूटी भी आती है ना तो रब के खौफ से लरस जाता है। तुझे खुदा का कोई खौफ नहीं है? तेरे लिए कब्र का अजाब नहीं होगा? मौत नहीं आएगी तुझे राशिद? पता आज कैसी लग रही है तू? बिल्कुल वैसी जैसे तू स्कूल में ना चौकीदार से लड़ी थी। मैं जब अदील के साथ तेरी स्कूल की लड़कियां देखने आया था, उसी दिन मैंने कह दिया कि बस अदील, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। और मेरे दिल को भा गई है। अदील क्या कहता है? जूते मार के गली से ऐसे निकालेगी कि तू भी याद करेगा। हट जा दूर मुझसे, तेरे मुंह से खून की बुआ रही है राशिद। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है और ना करूंगा, और जिस दिन मैंने कत्ल किया ना वापस घर नहीं आऊंगा, बारी बार खुदकुशी कर लूंगा मैं। लाश भी ना वसूल करना तू मेरी, वहीं से मुर्दा खाने भिजवा देना। कत्ल कत्ल राशिद, तू चौधरी साहब की गुलामी क्यों नहीं छोड़ देता है? पगली हो गई है तू? छोड़ दिया तो खाएंगे कहां से? वो हमारे साथ 5 जाने भी पल रही है। मां को तो रख लेगा, हमारा क्या होगा? तूने शादी के वक्त मुझसे वादा किया था तू नौकरी करेगा। 12 जमातें पढ़ी है, तूने नौकरी क्यों नहीं कर लेता है? कोशिश तो की थी मैंने, पर नौकरी नहीं मिली मुझे। और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वेले फिर रहे, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर हमारे साथ हमारी बच्चियां भी पल रही। तूने बेटे की ख्वाहिश में 5 बेटियां पैदा की ना, एक बेटे के लिए तूने 5 जानों की जिंदगी इतनी अजाब बना दी। क्या करता मैं? कोई भाई नहीं था मेरा, खेला था। राशिद तुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो साइंस की लैबोरेटरी में मेंढक हुआ करते थे जिन पे तजर्बे करते थे हम? हाँ। कभी कभी मुझे लगता है कि
मैं और मेरी बेटियां तेरी लिबार्ट्री की मैं इस पे पड़े मेंढक है जिन पे तू बेटा पैदा करने के तजर्बे कर रहा। और जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तू भी काटे जाएगा। बिल्कुल ही खिसक गए हो, अकेले बैठे हंसे जा रहे हो। जमाना बदल गया है, पहले लोग अकेले रोया करते थे, अब अकेले हंसना भी शुरू हो गए। मैं एक मजे की वीडियो देख रहा था, ऐसे ही हंसी आ गई। पागल ही है बिल्कुल ही, चल सो जा, बहुत देर हो गई है। क्या देर हो गई है, क्या स्कूल जाना है कल मैंने। फजूल बातें ना क्या कर, सो जा चल। क्यों जाग रही हो अब तक, सो जाओ शाबाश। कर मरी धी का सोग मनाएगी, बस कर दे सोग नाल मेरे पुत्र का घर ना खराब कर। एक ते धी ते ती जामनी है, उतो एडी भैड़ी जी शकल, बच्चे पैदा कर करके ते बुढ़ी हो गई है बिल्कुल। वैसे ऐसे करके राशिद घर ही नहीं आता, सारा दिन बाहर रहता। जे वो मेरा पुत्र है ना ते वो मेरी गल जरूर मनेगा, वो दूजी शादी करेगा ते फिर वेखी सात पुत्र होंगे ते तू मेरे वारे न्यारे मेरी शान वेखी बुढ़ी ना होए ते। इसे पढ़ लीजिए, अपनी मौत का परवाह ना कोई भी नहीं पढ़ सकता। पेन दे मैं दस्तखत करता हूं। तुझे तो मालूम है ना चाहिए अपने आज का खून माफ करना कितना मुश्किल होता है। वो भी जो अल्लाह की राह में ना हो, किसी डांडे के हुक्म पर हो। कौन माफ कर रहा है तेरे बेटे का खून पा फजल, बल्कि उसका बदला लेने के लिए तो हम ये कर रहे हैं। तेरे पुत्र का खून और मेरा खून एक ही तो है। आज अगर उसका खून मुफ्त में जाया कर दिया तो कल मेरा खून भी मट्टी में मिल जाएगा, तेरा भी। मेरा खून तो मट्टी में मिल चुका है मेरा खून बल्कि रुक भी चुका। वो तेरी इतनी जुर्रत, वो तू मेरे घर मेरी बहन का रिश्ता लेने चला आया है, वो लुत्फे हराम है तू वो भूल गया, और तेरे माँ पे हमारे कचरे के ढेर पे तुझे फेंक के चले गए थे और वो तो बच गए, और दिल मेरा करता है सबको जमा करके उनकी जगह मैं तुझे संसार करा दूं।
मासी नजीरा, ये तो तुझे सोचना चाहिए था ना, इस कण टूटे अलल्ले तलल्ले को उठा के तू शरीफों के घर ले आई। टके की इज्जत नहीं है मुआशरे में इसकी। हाँ मुझे क्या पता ये नाजायज औलाद है, मैं तो रिश्ता कराती हूँ। मेरे दरवाजे के बाहर तो बोर्ड लगा है रिश्ता कराने का। ये आया मेरे पास, बोला मासी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम चलो। सो मैं आ गई। तोबा तोबा, ना जी ना, मैं ऐसे शरीफ घराने में ऐसे रिश्ते लेके नहीं आती। ना मासी, तू तो पहले इंग्लैंड में रहती थी ना, और तुझे नहीं पता, और तेरी आंखों के सामने हमारे टुकड़े खा खा के जवान हुआ ये हरामखोर, और तू बोल रही है मुझे नहीं पता था। इसकी हिम्मत तो देखो, और भूल गया तू वो कितने लोगों ने तेरा मुंह काला करके इलाके से तुझे निकाला था, वो फिर भी तू आ गया। मैं तो मासी ये सोच सोच के परेशान हूँ, इस को तेरे साथ इधर किसी ने आते ना देखा हो, और मेरी इज्जत तो दो कौड़ी की नहीं रही होगी। चल भाई चल, मैं ऐसे रिश्ते शरीफों के यहाँ लेके नहीं आती। और सुन, खबरदार दूसरी बारी मेरे घर के करीब तू नजर भी आया ना, मैं लत्ते तोड़ दूंगा तेरी, दफा हो जाए इधर से। आप भी ना खाम खामे गुस्सा करके बैठ जाते हैं, अपनी बहन को देखें, ढलती उम्र और रंग रूप सड़के सुहा हो गया। इसके लिए ऐसे कण टूटे रिश्ते ही आएंगे, क्योंकि परस्तान का शहजादा नहीं आएगा। ना तो क्या करूं, ऐवें ही किसी के भी हाथ बांध के भेज दूं, अपनी इज्जत को और तमाशा बना लूं मैं, और इससे तो बेहतर है अपने हाथ से इसका गला घोट के मार दूं इसे। आपसे तो ये भी नहीं होगा, इसके लिए भी प्रामों को बाहिम्मत होना बहुत जरूरी होता है। चुप कर जा तू, और तू खड़ी क्या सुन रही है, चल जा इधर से इससे पहले कि मैं। आवाज नहीं आ रही। ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर पीरियड। मुझे नहीं पढ़ी आती अंग्रेजी अम्मी जी, उर्दू मीडियम में डाल दे मुझे। एक तो ऊपर से हमारे टीचर की शक्ल भी इतनी बदसूरत है। क्या हुआ गया इसकी शक्ल को? अगर मैंने अब्बा जी को दिखा दी ना वो टीचर, तो उसे स्कूल से ही निकलवा देंगे, इतनी बदसूरत। तूने ना कुट खा लेनी है मेरे से। जी नहीं, मैं अब्बा जी को बता दूंगा, वो आपको गुस्सा करेंगे। अब्बा जी ने कहा है कि औरत मर्द को नहीं मार सकती। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मैंने लाहौर चले जाना और वापस नहीं आना फिर। अच्छा ना, नहीं करता। चल कर होमवर्क अपना। मुझे नहीं आती अंग्रेजी, आपको आती है ना? मुझे आती होती तो गमी किस बात का था, अपना कमाती अपना खाती। वैसे अम्मी जी, जो लोग अमीर होते ना वो नौकरी करते नहीं है, नौकर रखते हैं। ना क्यों, तुझे अपने बाप की तरह जाहिल बनना है क्या? अगर अब्बा जी को पता चली है ना कि आप उनके बारे में क्या कहती हैं, तो आपसे बहुत गुस्सा होंगे। शाज़ीब, ना एक बात बता मुझे, माँ हो तेरी मैं, अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है क्या? तो तुझे मुझसे प्यार नहीं है? है। तो क्यों तंग करता है मुझे? मुझे दुख देकर तुझे अच्छा लगता है क्या? ये मुझे नहीं पढ़ी आती अंग्रेजी। अच्छा चल एक काम करते, मैं तेरे लिए एक अच्छे से ट्यूशन पढ़ाने वाले का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? आ जाओ बीबी, चाय पी लो। चल थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा। ऑटम बिटवीन गदा जनरली ओए क्या हो गया मजरीना, सुबह तूने चार ग्लास एक साथ तोड़ दिए, रात को चाय की प्याली में से चाय उल्टा दी, ओए खैर तो है? जब तो दिल च उबाल होवे ना बीबी, तो ग्लास भी टूट जाते ने, ते हाथ भी जल जाता है। ना क्या उबाल है तेरे दिल के अंदर? असी ठहरे वफादार लोग बीबी, साढ़े खून च वफादारी गुनी है, इस हवेली का एक गिलास भी टूट जाए ना
ते साढ़े दिल ते तड़ेड़ पै जांदी है। मेरियां अखां इस हवेली दी एक एक इट विच ने। मरन तो पहले चौधरानी जी अल्लाह बख्शे उन्होंने मेरे तो वादा लिया सी कि मैं सारी उम्र चौधरी नवाज दी वफादार रवांगी। मतलब क्या है तेरी बात का? कुछ नहीं, हूं जी चौधरी नाल कीता वफादारी दा वादा याद आ गया। सिर्फ चौधरी दी वफादार ते मैं कौन? नहीं तुसी भी हो, लेकिन असल मालिक ते साडे फिर चौधरी है ना। तुहानू एक गल दसा, जिहड़ा राशद है ना राशद, वो चौधरियां दा जर खरीद गुलाम है। निका जहा आंदा सी ना ते वड्डे चौधरी जी ने मैं 10 रुपए दे के खरीद लिया सी। वो अज भी 10 रुपए मेरे संदूक च उंज ही पए ने। जे राशिद ने कदे एहो जी कोई गल कीती ना ते बीबी मैं उन्हूं छड्डांगी नहीं। जग खेडदा फिरे मेरे नाल। कितने गंदे पैर हो रहे? Come on, mom. लड़कों के पैर ऐसे ही होते हैं, साफ सुथरे नाजुक पैर लड़कियों के होते हैं। फजूल बातें करना शुरू हो गया तुम, ये क्या हालत बनाई है? क्या वही रात वाले कपड़े पहने हुए हैं? सुबह शावर नहीं लिया? शावर नहीं लेना, इट्स सो बोरिंग, रोज नहीं होता मुझसे। गंदे गंदे पसीने की बू आने लगती है कपड़ों से। मैं डिओड्रेंट यूज करता हूँ, डिओड्रेंट वो इसलिए होता है। ब्रश किए? हेयर ब्रश? मॉम आपके और मेरे बाल पे ब्रश नहीं चलता। दांत ब्रश किए हैं कि नहीं? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अच्छा अभी घिसती हूँ तुम्हारे पैर। अम्मा अब्बा और तेरी मोहब्बत की शादी थी क्या? अब्बा दादी के कहने पर दूसरी शादी कर लेगा क्या? और अगर कर ली तो क्या होगा? अम्मा दूसरी शादी बेटे पैदा करने के लिए करते हैं, और अगर अब्बा ने दूसरी शादी कर ली तो उनकी दूसरी बीवी बेटा पैदा करेंगी क्या? अम्मा अगर अब्बा की दूसरी बीवी ने बेटा पैदा कर लिया तो क्या अब हमें छोड़ देगा? तू एक बेटा पैदा क्यों नहीं करती? बेटा बेटी औरत के हाथ में होता है या तो अल्लाह मियां के हाथ में? उस दिन मैंने सुना था अब्बा तुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा कि अगर तूने बच्चा पैदा किया तो तू मर जाएगी। नहीं नहीं अम्मा तू बच्चे पैदा नहीं करना। अगर अब्बा ने हमें घर से भी निकाल दिया हम कुछ कमा लेंगे कुछ कर लेंगे, लेकिन तू बच्चे पैदा मत करना। अम्मा मुझे अभी जिंदा रहना है हमारे लिए। तू खा मेरी कसम तू बच्चा पैदा नहीं करेगी। अम्मा हाँ भाई ले आई सारा सामान रखो यहाँ पे चलो पैर डालो पानी में डालो। इतने बड़े हो गए हो तंग कर रहे हो मुझे बच्चों की तरह। Really? मैं बड़ा हो गया? Thank God. दुनिया वालों
आज मैं बड़ा हो गया। बदतमीजी करेगा? बदतमीजी करेगा? डालो पैर। चल गया, चल गया। नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे टेम्परेचर चेक नहीं किया था? किया था। ये दिखा तो सही मुझे हाथ। अरे देखने तो दे। कितनी बार तुम्हें समझाया, पानी सही से चेक किया करो। अभी इसकी जगह कोई क्लाइंट होता ना तो शामत आ जानी थी तुम्हारी। पुलिस बुला लेते ये लोग, लग पता जाता तुमको। दिखा तो सही मुझे कितना गर्म। मैं हाथ नहीं लगाया, आप जल जाएंगे। देखने तो दो। ठंडे पानी से होता है पेडिक्योर, कब समझ आएगी तुमको? कितनी बार समझाया है? क्या करूं मैं? मैंने सोचा आपके सामने गरम कर लूंगी, टेम्परेचर पूछ के। जाओ गरम करके लाओ, पानी डालो इसमें। शर्म नहीं आती? ये ले भाई तेरा बंदा, चौधरी साहब को मेरा सलाम। हाजिर वकील साहब। आराम से डालना, थोड़ा थोड़ा करके, बस ठीक है, काफी है। चेक करो, चेक करो, ठीक है। मैडम आपके क्लाइंट आ पूरा पेडिक्योर करना, और खबरदार तुमने को बदतमीजी की है। और तुम भी खत्म करके नीचे आ जाना। उठ जाओ, मेरा रोजाना का काम है, मैं नीचे रोज यही करती हूँ। उठो प्लीज। एक बात याद रखो, फराइज इतने अदा करो जितने तुम पर आयद हो। आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है। कौन से एहसान है? मेरी माँ ने तुम्हें अपने घर में रात की नींद जितनी जगह दी है, ये एहसान है? इसके बदले तुम मेरे पैर धोगी? चौधरी साहब, मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने बता दिया। बाकी समी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढ ही निकालूंगा। अब वो वनी हो ना हो, मेरे हाथ तुम्हारी की जरूरत। मेरी गैरत, मेरी आग बन गई चौधरी साहब। झोंक भावल की गलियों में मैंने उसे ना घसीटा ना, तो मैं भी अपने प्यो दी औलाद हूं। पर आपको बताना था, बता दिया। दुश्मन आप ही के घर। जग खेंटदा फिरे मेरे नाम।